Hey guys, welcome to our channel Indian Franchise Solutions. So दोस्तों, आज की डेट में भारत में जो मेडिकल ऑक्सीजन है दोस्तों, उसकी भारी किल्लत है. और ऐसे में गवर्नमेंट जो है या जो सरकार है दोस्तों, वो भी चाहती है कि लोग जो है वो अपने ऑक्सीजन के जो बंद पड़े बिजनेसेस हैं उनको स्टार्ट करें, या कहीं ना कहीं जो ऐसे बिजनेस हैं उनको प्रोत्साहित करने का कोशिश कर रही है. सो दोस्तों, ऐसे में आज के लिए जो है, मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे जो है अपना खुद का मेडिकल ऑक्सीजन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. सो दोस्तों, अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार, ऑक्सीजन तो एनीवेज आपका एयर में अवेलेबल है, तो हम उसी ऑक्सीजन को क्यों नहीं पैक करके दे सकते. लेकिन दोस्तों, बस थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि दोस्तों, जो एयर में जो ऑक्सीजन होता है दोस्तों, वो प्योर ऑक्सीजन नहीं होता है. उसमें आपका ऑक्सीजन जो है वो केवल जो है 21% होता है. उसके अलावा दोस्तों, लगभग 78% दोस्तों आपका नाइट्रोजन होता है. और उसके अलावा दोस्तों, जो बाहर भी जो बाकी गैसेस होती हैं दोस्तों, वो जो है वो पर्यावरण में रहती हैं. तो ऐसे में दोस्तों, हम डायरेक्टली उसको पैक करके नहीं बेच सकते. अब दोस्तों, अब इसमें जो कंपनीज हैं, या अगर आप भी मेडिकल ऑक्सीजन के बिजनेस में आते हो, तो आपको क्या करना होता है. सो देखिए दोस्तों, आपको ऑब्वियसली एक सेटअप तैयार करना होगा. लेकिन वो पूरा का पूरा सेटअप आपका क्या करता है, उसको मैं बड़े ही संक्षेप में आपको समझाना चाहूँगा. सो देखिए दोस्तों, जो भी मशीनरी हम लगाएंगे उसके बारे में मैं कवर करूँगा आगे वीडियो में. उसका एकमात्र काम होता है कि ऑक्सीजन को जो है वो आपके एयर से सक करना, और उसको जो है दोस्तों बेसिकली फिल्टर करके जो प्योर ऑक्सीजन होता है उसको जो सिलेंडर्स हम आज की डेट में देख रहे हैं उसमें पैक करना. तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो दोस्तों एक बेहतरीन सेटअप के साथ या एक ऑटोमेटेड इसकी पूरी मशीन आती है, जिसमें फिल्टर, अलग अलग टाइप के फिल्टर्स होते हैं, कंप्रेसर्स होते हैं. तो उसके बारे में मैं आपको आगे कवर करूंगा. अब देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन अगर आज की डेट में अगर कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी फैक्ट्री बना रही है, तो वो दो तरह की होती हैं. एक है आपका मेडिकल ग्रेड का, और दूसरा है दोस्तों आपका इंडस्ट्रियल ग्रेड का. सो देखिए दोस्तों, जो मेडिकल ग्रेड का है वो बेसिकली जो हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज होता है, और जो इंडस्ट्रियल ग्रेड का है दोस्तों, वो जैसे कि बड़ी बड़ी मेटल कट करने वाली अगर कोई फैक्ट्रीज है तो वहाँ पे यूज़ होता है. या तो आप कह लीजिए कि जितनी भी वाटर बॉडीज़ होते हैं वहाँ पे अगर ट्रीटमेंट का काम हो तो वहाँ पे यूज़ होता है. क्लीनिंग के काम में भी कहीं कहीं पे यूज़ किया जाता है. और इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. तो देखिए दोस्तों, अब जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है वो बेसिकली आपके एयर से जो है वो उसको हम सक करते हैं, और उसको दोस्तों जो है आपको डिफरेंट टेम्परेचर पे जो है वो उसको ठंडा किया जाता है. सो बेसिकली आपका लिक्विड ऑक्सीजन जो है, अगर -183 डिग्री पे अगर उसको ठंडा किया जाए, तो वो जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो है वो आपका प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होता है. तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं या फैक्ट्रीज होती हैं, तो सब में जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं होता है. सो इसमें जो है, अगेन आपके दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं. एक, जहाँ पे आप लिक्विड ऑक्सीजन बनाएंगे भी, और लिक्विड ऑक्सीजन की आप बॉटलिंग भी करेंगे, यानी आप सिलेंडर्स पैक भी करेंगे, रिफिल करेंगे. वहीं दोस्तों, जो दूसरी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आती है, जहाँ पे लोग सिर्फ बॉटलिंग का काम करते हैं, यानी जो फैक्ट्रीज लिक्विड ऑक्सीजन बनाने के बिजनेस में हैं, उनसे लिक्विड ऑक्सीजन लिया जाता है, अपने प्लांट पे या फैक्ट्री पे मंगाया जाता है, और वहाँ से दोस्तों जो छोटे छोटे सिलेंडर्स होते हैं उसमें सिर्फ बॉटलिंग का काम होता है, यानी सिर्फ उसमें जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन फिल करके बेचा जाता है. तो यहाँ पे भी दोस्तों आपके लिए दो अपॉर्चुनिटीज हैं. यदि आप सिर्फ लिक्विड ऑक्सीजन बनाने का काम करना चाहते हैं, तो आप वो भी अलग से कर सकते हैं. यदि आप लिक्विड ऑक्सीजन बनाने प्लस उसके बॉटलिंग का काम करना चाहते हैं दोस्तों, तो वो भी कर सकते हैं. अब अगर मान लीजिए, अगर आप सिर्फ लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट लेते हैं बनाने का, तो ऐसे में आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए हमेशा जो है, जो ऐसे बॉटलिंग प्लांट्स हैं उनके ऊपर आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा. लेकिन अगर आप अपना बिजनेस लिक्विड ऑक्सीजन बनाना
उसकी बॉटलिंग बनाना और साथ ही साथ बॉटलिंग भी करते हैं, तो आपका एंड टू एंड बिजनेस चलेगा। साथ ही साथ जो बाकी और भी अगर बॉटलिंग प्लांट्स अगर आपके शहर या नियर बाई लोकेशंस पे हैं, तो उनको भी दोस्तों आप जो है लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। सो दोस्तों ये चीज़ जो है मैं ऐड करना चाहता था यहाँ पे इसी के बारे में। दोस्तों अब चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं, और इसके लिए दोस्तों हम सीधे सीधे चलेंगे अभी स्क्रीन पे, वहाँ पे समझेंगे कि कौन सी कंपनीज जो हैं ये पूरा सेटअप या जो मशीनरीज होती हैं उसके लिए वो प्रोवाइड करती हैं, आपको सेटअप करने में मदद करती हैं, और या और भी इस बिज़नेस में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं आपके लिए, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सो दोस्तों मैंने इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया इसके बारे में कि आखिर ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जो आपको ये पूरी मशीनरी सप्लाई करने में आपकी मदद कर सकती हैं या पूरा का पूरा ऑटोमेटेड सेटअप जो है आपको प्रोवाइड कर सकती हैं। सो दोस्तों यहाँ पे जो है बेसिकली हमें दो कंपनीज़ मिली, एक है आपका INGLA बॉशी। सो ये जो है ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट हो गया। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं लिक्विड ऑक्सीजन का जो पूरा का पूरा प्लांट है दोस्तों ये जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करेगा कि आपके इस प्रोडक्शन कैपेसिटी की मशीन जो है या सेटअप जो है वो ले रहे हैं। सो दोस्तों अंदाज के तौर पर बताऊँ तो आपका इन्वेस्टमेंट कुछ 20-25 लाख रुपये से लेके करोड़ों तक भी जा सकता है। अब दोस्तों ये आपकी एक कंपनी हो गई, इस कंपनी की जो भी डिटेल है वो भी जो है मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है वो ऐड कर दूंगा। अब अगर आप यहाँ पे बात करें तो देखिए आप कोई भी बेसिकली स्पेसिफिकेशन का आप सेटअप लें, लेकिन अगर उसमें ऑक्सीजन प्योरिटी देखेंगे तो आपका 99.7 जो है वो कंसिस्टेंटली मेंटेन किया जा रहा है सारे ही केसेस में। और जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये आपका जो है वो बहुत ही लो टेम्परेचर्स पे जो है इसको मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए -165 -170 डिग्री पे जो है इसको, या इससे भी कम डिग्री पे दोस्तों इसको कूल किया जाता है, सो दैट जो है आपका जो एयर का जो ऑक्सीजन है वो लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए। सो दोस्तों ये एक कंपनी है आपकी, और दोस्तों ये कंपनी जो है ये आपकी बेसिकली राजस्थान बेस्ड है ना। इनका जो नाम है बेसिकली universalboshi.com, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स जो है मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जो है इनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जो दूसरी कंपनी जो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैंने न्यूज़ में भी सुना कि पंजाब में काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं। सो दोस्तों ये जो आपकी कंपनी है हाईटेक इंजीनियर्ड सॉल्यूशंस, सो दोस्तों ये भी आपका पंजाब बेस्ड है। अब दोस्तों ये जो है ये इसका फुल्ली ऑटोमेटिक सेटअप है दोस्तों। अब अगर इसे बहुत ही प्लेन शब्दों में अगर आप समझें तो ये जो दोस्तों आपका जो पहला जो ब्लैक बॉक्स दिख रहा है ये जो है बेसिकली एयर सक करने का काम करता है, और एयर सक करके दोस्तों जितना भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होती हैं वो इसको यहाँ पर रिमूव कर देता है। उसके बाद बाकी एयर को दोस्तों आगे पास कर देता है। आगे जब ये सिलेंडर में जाता है तो दोस्तों इस सिलेंडर में जो है फिर इसके जो ऑयल पार्टिकल्स होते हैं, अगर एयर में कोई ऑयल पार्टिकल्स हैं तो उस ऑयल पार्टिकल को दोस्तों यहाँ पे इसको फिल्टर किया जाता है। फिर ये अगले सिलेंडर में जाता है, अगले सिलेंडर में जाता है दोस्तों तो यहाँ पे बेसिकली आपका ऑक्सीजन को अलग किया जाता है और बाकी जो गैसेस होती हैं उसको अलग किया जाता है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि ऑक्सीजन जो है उसको आगे भेज दिया जाता है और बाकी गैसेस जो हैं दोस्तों यहाँ से जो है वो अगेन आपका एग्जिट कर देती हैं। फिर दोस्तों जब ये गैस आगे जाती है तो यहाँ पे फिर जो है इसका फिल्टर किया जाता है। तो दोबारा फिल्ट्रेशन में दोस्तों अगर बाय चांस कुछ नाइट्रोजन गैसेस अगर आ गई होंगी या कुछ आर्गन गैसेस आ गई होंगी तो उसको भी दोस्तों यहाँ पे फिल्टर किया जाता है। और दोस्तों अंत में जो है इसको एट अ कंप्रेस्ड प्रेशर जो है इस बड़े सिलेंडर में पास किया जाता है जहाँ इसको स्टोर किया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों आपका जो स्टोरेज होता है वो लिक्विड ऑक्सीजन के फॉर्म में होता है। और दोस्तों यहीं से जो है आपका ये पूरा का पूरा जो है बॉटलिंग का जो है वो प्लांट मेंटेन किया जाता है। तो बेसिकली ये बड़े सिलेंडर से जो है
लिक्विड ऑक्सीजन जो है, जितने भी आपके कनेक्शंस होते हैं ऐसे छोटे छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स के, उसमें जो है दोस्तों बॉटलिंग का काम किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इनके बाकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये सारा का सारा जो है आपका मेडिकल यूज़ के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट है। उसी के साथ दोस्तों अगर यहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 20-25 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से लेके करीब करीब करोड़ों तक का भी दोस्तों आपका ये इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। वहीं दोस्तों अगर आप, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए 99% प्योरिटी वाला मॉडल भी जो है आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए अलग अलग मॉडल्स हैं, राइट, जैसे कि 93-95% इनका प्योरिटी रेट है, 99% भी चाहिए तो दोस्तों वो भी कस्टमाइजेबल है, वो भी आपको मिल सकता है। सो दोस्तों ये एक और कंपनी थी आपकी हाईटेक इंजीनियर्ड सॉल्यूशंस। अब दोस्तों अगर इन्हें भी अगर आपको कांटेक्ट करना है तो देखिए यहाँ पे आप रिक्वेस्ट फॉर कोट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर कोट करने में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है, आप किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए करना चाहते हैं, क्या मेडिकल यूज़ के लिए करना चाहते हैं, या कुछ स्पेशलिटी गैसेस हैं उसके लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो वो सारा का सारा जो है आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों जिस साइट में आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ के भी आप डिटेल्स यहाँ पे दे दीजिए। ये करके जब आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद कंपनी जो है आपको कॉन्टैक्ट करके इसके आगे के फर्दर प्रोसेस के बारे में गाइड करेगी। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि ये पूरा का पूरा जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम है। इसमें आपको केवल मशीन लाके अपने यहाँ पे सेटअप करनी है, और आप दोस्तों एक बार जब आपकी मशीन सेटअप हो जाएगी तो आप जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन का बॉटलिंग का बिजनेस जो है, लिक्विड ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस जो है वो बड़े ही आराम से कर सकते हो। अब दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें भी थी जो कि मैं आपके लिए यहाँ पे मेंटेन करके लाया हूँ। सो देखिए दोस्तों इसमें जो है आपको दो चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो की है आपका कि स्टोरेज ऑफ गैस। सो देखिए दोस्तों जो भी गैस स्टोर किया जाएगा आज की डेट में वो जो है आपका एट अ हाई प्रेशर स्टोर किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों किसी सिलेंडर का बर्स्ट हो जाना या गैस लीक होना उसके चांसेस भी रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको स्टोरेज ऑफ गैस, उसकी जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, वो सारे के सारे दोस्तों आपको फॉलो करने होंगे। दूसरा है दोस्तों आपकी लाइसेंसिंग। तो आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड लाइसेंसिंग है दोस्तों आप जो है उसको लेना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों लाइसेंसिंग किस तरीके की चाहिए, क्या प्रोसीजर रहेगा, कौन इसकी मदद कर सकता है, तो दोस्तों इसके बारे में आप जब इन कंपनीज को कॉन्टेक्ट करेंगे या तो आप यूनिवर्सल बोशी को कॉन्टेक्ट करें या तो आप दोस्तों हाईटेक इंजीनियर सॉल्यूशंस को कॉन्टेक्ट करें, दोनों ही केसेस में दोस्तों आप जो है कंपनी जो है आपको इस बारे में गाइड कर देगी। और दोस्तों हाईटेक अगर आप इंजीनियर सॉल्यूशंस की बात करें तो इन्होंने करीब करीब ऑल ओवर वर्ल्ड में दोस्तों करीब करीब 2000 से भी ज़्यादा इंस्टॉलेशंस किए हुए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। और दोस्तों आपका अगर यूनिवर्सल बोशी के बारे में भी बात करें तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये आई थिंक आपकी इटली की कंपनी है, तो ये भी जो है वो काफ़ी देखिए 1985 से बिजनेस में है, तो करीब करीब 35-36 साल इस कंपनी को भी हो चुके हैं। सो दोनों ही जो है वो काफ़ी बढ़िया कंपनीज हैं। आप दोनों में से किसी के साथ भी जुड़ के अपना खुद का जो है ऑक्सीजन बॉटलिंग प्लांट या ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों आई होप आपको लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट मैन्युफैक्चरिंग की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसके बारे में डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगा। सो चलिए फ्रेंड्स अगली वीडियो में फिर किसी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।